हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनोमेनिया। कैसे हैं भाई? होपफुली एकदम बढ़िया, एंजॉय कर, है ना। देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम वीडियो का लगा हुआ है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसके लिए हम काफी दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज, काफी अच्छी ट्रिक्स के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और कहीं ना कहीं आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं उनसे हमें बहुत ही एक अच्छा प्रोत्साहन मिलता है, और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ पाते हैं। ठीक है, तो उसी सिलसिले में वीडियो के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी वीडियोज अपलोड की जा चुकी हैं इस चैनल पर। ठीक है, अगर आपको वो एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी इशू है, तो आप इस चैनल पे जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है उस पर जाके आप क्लिक करिए। ठीक है, और आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं वीडियो की जितनी भी वीडियोस हमने अपलोड करी हैं वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल के ऊपर। ठीक है, और उसी सिलसिले में आज हम एक और टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। इसका नाम होगा, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्रमुख व्यक्ति एवं उनके समाधि स्थल। ठीक है, ये कहीं ना कहीं देखा गया है कि किसी ना किसी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, तो इंपॉर्टेंट तो है ही भाई अपने में काफी ज्यादा। ठीक है, अब बात यहां पर यह कर लेते हैं कि भाई जो भी वीडियोस अपलोड की जा रही हैं इनके प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो फिर आखिरी टाइम पे आपको रिविजन करने में एक प्रॉब्लम फील होगी, और वो होगी नो डाउट। ठीक है, आपको अगर आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो, प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, आप उन चीजों को ध्यान से समझ पाएंगे। ठीक है, और अपने एग्जाम के टाइम पे आपको काफी एक हेल्प मिलेगी चीजों को रिकॉल करने में। राइट, तो प्लीज ध्यान से पढ़ते रहिए। दूसरी एक चीज मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूं कि आज जो हम ये वीडियो आपको दे रहे हैं इसमें मैं प्रमुख व्यक्ति और उनके समाधि स्थल ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन कल जो मैं एक आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा उसमें हम एक वीडियो की जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, कि वीडियो में हमें किस तरह से क्रैक करना है चीजों को, ठीक है, क्या क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे हम वीडियो के एग्जाम को बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं, कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने चाहिए। अब अगर आप यहां से ध्यान से देखिए तो आपके पास हार्डली यहां से 30 दिन बचते हैं, इन 30 दिनों को आप कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं ये आपके लिए इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, अगर आप इस समय अपना खाना पीना कम कर दें, ठीक है, नींद थोड़ा सा कम ले लें, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर ये एक महीना आपने यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, याद रखिएगा, और आगे चल के आपकी ही जॉब लगेगी और आप जिंदगी भर, ठीक है, आराम से एकदम मौज काटेंगे। ठीक है, सारे के सारे काम हो जाएंगे, सारी चीजें एकदम स्मूथली चलने लगेंगी। ठीक है, आप एक चीज मान के चलिए कि वीडियो में अभी तो आपकी वैकेंसी आ चुकी है लगभग, ओवरऑल अगर मैं तीनों एग्जाम की मिला के बात करूं तो लगभग हमारे पास 1900 वैकेंसीज हैं, लेकिन आगे चल के आप मान के चलिए कि जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, जैसे जैसे साल बढ़ेंगे, है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 2016 की बात करता हूं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो वीडियो की वैकेंसी आई थी, सिर्फ वीडियो की वैकेंसी लगभग 3300 के आसपास वैकेंसी थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही 2018 की वैकेंसी आज आप देख रहे हो तो 1900, और उन 1900 वैकेंसीज में भी तीन जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं उनको इंक्लूड करके वैकेंसी है ये 1900, अकेले वीडियो की नहीं है। तो आप देखिए कितना स्तर जो है कितना गिर रहा है ना, वैकेंसी निकल नहीं रही है और ऊपर से कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है। तो आप ये मान के चलो कि 19-20 ये जितने भी आगे एग्जाम्स होंगे इन ईयर्स में, तो वैकेंसीज जो है वो कम होती जाएंगी। ठीक है ना, अब ये चीजें थोड़ा आपको ध्यान रखनी है, तो अब आपके पास मौका है, आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं पढ़ के। ठीक है, चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और उस वीडियो में आपको प्रॉपर 30 दिन की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको किस तरह से चीजों को टैकल करना है। ठीक है, चलिए आइए, देखिए हमारा जो टॉपिक है प्रमुख जो व्यक्ति हैं और उनके समाधि स्थल। ठीक, देखिए सबसे पहला है राजघाट। राजघाट जो है ये किसकी समाधि है? ठीक है, आपको क्या बताना है कि राजघाट जो है वो किसकी समाधि स्थल है। तो देखिए अब यहां पर हम ट्रिक्स के साथ ही इनको याद करने वाले, ध्यान से समझेंगे। देखिए यहां पर एक वर्ड आ रहा है बच्चों, राज। क्या वर्ड आ रहा है? राज वर्ड आ रहा है। अब आप जानते हो कि राज जो है वो किसने, हमारे देश पर सबसे ज्यादा राज किसने करा है? हमारे देश पर सबसे ज्यादा राज करा है ब्रिटिशर्स ने, है ना, अंग्रेजों ने शासन करा है या अंग्रेजों ने राज करा हमारे देश पे, और अंग्रेजों के इस राज को खत्म करने में, है ना, अंग्रेजों के इस राज या फिर इस शासन को खत्म करने में कई सारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत ही एक बड़ा अहम रोल निभाया, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी, ठीक है, हमें आजादी दिलाने में। लेकिन उन्हीं सभी फ्रीडम फाइटर्स में एक बहुत ही महान व्यक्तित्व थे जिनका नाम है महात्मा गांधी जी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जी। ठीक है, तो अब महात्मा गांधी ने, हम मान के चलेंगे क्योंकि आप देखते हो कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं लेकिन उसमें से महात्मा गांधी जी जो हैं उनकी ही तो फोटो आप अपने करेंसी यानी कि जो आपका इंडियन रुपी है उस पे देखते हो, तो मतलब महात्मा गांधी जी को कहीं ना कहीं दूसरों से और ज्यादा श्रेष्ठ बताने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा भी, और अगर देखा जाए तो उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है। लेकिन मैं यहाँ पे कोई कंपेयर नहीं कर रहा, बस मैं आपको यहाँ पे याद कराने के लिए ये चीज कह रहा हूं। हालांकि बाकी और जितने महान व्यक्तित्व रहे, नो डाउट सभी का कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट रोल था हमारी आजादी को हमें दिलाने में, लेकिन आप ये मान के चलिए कि महात्मा गांधी का रोल हमें ज्यादा मानना है अगर हमें इसको याद करना है। ठीक है,
अंग्रेजों के राज को किसने जो है हटाया है या किसने अंग्रेजों के राज को खत्म करा है, तो वो थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के राज को खत्म किया, तो ट्रिक बन गई कि राजघाट की जो है वो किसकी होगी, राजघाट जो है वो महात्मा गांधी जी की होगी। क्लियर हो गया। इसके बाद देखो दूसरा आपसे कह रहा है शांति वन, दूसरा क्या कह रहा है शांति वन। अब आप जरा ध्यान से देखिए शांति, बच्चों शांति अगर आपको चाहिए, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को शांति चाहिए या आपको शांति चाहिए, आप बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ के आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि आप वीडियो की एग्जाम की प्रिपरेशन करने के दौरान आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, थक गए हैं, तो आपको उस टाइम पे शांति चाहिए। तो अगर आपको शांति चाहिए उस टाइम पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको ज्वार की रोटियां खानी पड़ेंगी। किसकी? ज्वार की रोटियां खानी पड़ेंगी आपको। अब हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार ये मैं क्या लिख रहा हूं, तो अब आपको याद करना है तो फिर आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको शांति चाहिए ना, वीडियो के एग्जाम की प्रिपरेशन कर करके आप परेशान हो चुके हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वार की रोटियां खानी पड़ेंगी, ठीक है। और ज्वार से आप याद रखेंगे जवाहर, ज्वार से क्या याद रखेंगे, जवाहर। अब ज्वार से जवाहर है तो जवाहर भाई क्या है, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, आप जानते हैं, ठीक है, ये भारत के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे वो हैं, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। फिर देखिए तीसरा, तीसरा आपसे कह रहा है विजय घाट, ठीक है, विजय घाट की बात करते हैं जल्दी से, पांच जैसे ही पढ़ेंगे फिर रिवीजन करेंगे, ठीक है। देखो विजय घाट, विजय घाट की अगर बात करी जाए तो देखो एक वर्ड आ रहा है बच्चों यहाँ पे, विजय। अब अगर आप वीडियो का आपका एग्जाम है, ठीक है, आप जानते हो 22 से 23 दिसंबर, देखो डेडलाइन है हमारी 22 से 23, किसी एक दिन आपका पेपर होगा। अब ये अगर हमारी डेडलाइन है तो हमें इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, मतलब हम इस एग्जाम पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन है वीडियो का ये एग्जाम, और हमें अपने इस दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो अगर हमें इस वीडियो के एग्जाम पे विजय प्राप्त करनी है, तो हमारे सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या होना पड़ेगा, हमें बहादुर होना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप, हमें क्या होना पड़ेगा, बहादुर। और अगर आप बहादुर होंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, तभी आप वीडियो के इस दुश्मन को हरा पाएंगे, उस पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। और ये बहादुरी आपके किस सेंस में, कोई आपको फिजिकल कहीं जाके लड़ना नहीं है, आपको पढ़ाई करनी है ना, आपको वो सारी की सारी चीजें जो आपको पढ़ने से रोकेंगी, फॉर एग्जाम्पल आपका मन करेगा कि हम खाना खाएं बहुत ज्यादा, ठीक है, आपका मन करेगा बाहर घूमें, दोस्तों के साथ बात करें, मोबाइल सबसे बड़ी जो आजकल की एक चिंता है वो मोबाइल है, व्हाट्सएप जो आपको दूर रखेगी आपके इन सब एक्टिविटीज से, है ना, जो आपकी पढ़ने वाली एक्टिविटी है उससे आपको दूर रखेगी। आपके रिलेटिव हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रूममेट्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपका एक आलस हो सकता है, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो आपको एग्जाम में रोकते हैं, आपको एग्जाम क्रैक करने से रोकते हैं या आपको मेहनत करने से रोकते हैं। बात समझ में आ रही है? हर एक वो अच्छी चीज जो आपके फेवर में होगी उसको करने के लिए आपका मन नहीं करेगा, पक्की बात है, समझ रहे हैं आप, कोई भी आप उठा के देख लीजिए कोई भी चीज। और जो बुरी चीजें होती हैं वो आप बड़े आसानी से कर लोगे, क्योंकि उनको करने में ना ज्यादा मेहनत नहीं लगती, समझ रहे हैं आप, तो ये चीज आप ध्यान से समझिए, ठीक। तो अगर आप विजय प्राप्त और इन सब चीजों को अगर आपको मतलब छोड़ना है तो फिर आपको बहादुर होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको विजय प्राप्त करनी है तो फिर आपको बहादुर होना पड़ेगा, और बहादुर से क्या याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। तो विजय घाट किसकी थी बताओ, लाल बहादुर शास्त्री जी की। क्लियर हो गया यहां तक? फिर देखिए अगला आपसे कह रहा है, देखिए शक्ति स्थल, अगला क्या है, शक्ति स्थल। अब देखो एक वर्ड आया बच्चों यहां पे, शक्ति, वर्ड क्या आ रहा है, शक्ति। अब आप शक्ति से रिलेट करेंगे कि एक नारा आता है, जब भी शक्ति का नाम सुनते हैं तो एक नारा आता है बेटा, नारी शक्ति का। किसका नारा आता है बताओ, नारी शक्ति का, ये नारा हमें याद आता है, शक्ति का नाम सुनते ही हमें नारी शक्ति की याद आती है। अब एक बात बताओ, जब यहां पे नारी आ रहा है तो नो डाउट जो ये समाधि स्थल है वो भी किसकी होगी, किसी नारी की, किसी स्त्री की। तो बेटा स्त्री इस पूरे में याद रखिए सिर्फ एक ही है, और वो कौन है, इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ये नारी है, और हमने याद कैसे किया भाई, शक्ति स्थल है, शक्ति से हमें एक नारा याद आता है नारी शक्ति का, और नारी कौन है, इंदिरा गांधी जी, एकमात्र नारी यही है इन पूरे में, है ना, तो हमें इंदिरा गांधी जी याद हो जाएंगी। और वैसे भी आप जानते हो इंदिरा गांधी जी को क्या बोला जाता था, देखिए आयरन लेडी ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी जी को बोला जाता है आयरन लेडी ऑफ इंडिया। और अगर ये आयरन लेडी हैं मतलब इनके पास बहुत शक्ति थी, है ना। आप देखिए 1975 की अगर आप बात करिए, इमरजेंसी, भारत का कोई प्रधानमंत्री इमरजेंसी नहीं लगा पाया, इन्होंने लगा दी, वो भी इंटरनल रिबिलियन के कारण, समझ रहे हैं, आंतरिक जो विद्रोह है उसके कारण इन्होंने, आंतरिक असुरक्षा के कारण इन्होंने इमरजेंसी लगवा दी। तो कितनी ज्यादा शक्तिशाली थी, आप समझ रहे हैं ना, तो उसी से इनका पता लगता है। तो शक्ति स्थल किसका हो जाएगा भाई, इंदिरा गांधी जी का। क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। फिर आगे देखो, नेक्स्ट लिखा है बच्चों अभय घाट। अभय में एक वर्ड आ रहा है, मतलब अभय घाट में एक वर्ड आ रहा है अभय। अब आप यहां पे ध्यान रखिए कि भय किसको होता है, भय बच्चों छोटे बच्चों को होता है, आप समझ रहे हैं, भय जो होता है, जो डर होता है वो छोटे बच्चों में होता है। अब याद करना तो फिर आपको ये चीज माननी पड़ेगी, ठीक है। तो भय जो है वो किस में होता है, छोटे बच्चों में। और छोटे बच्चे अक्सर, जो मोर होता है ना, मोर, पीकॉक,
हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, भारत का। तो जो मोर होता है ना उसके पंख जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, तो बच्चे होते हैं जो छोटे से वो अक्सर क्या होता है मोर को देखकर, बेटा मोर को देखकर क्या कर देते हैं, डर जाते हैं या फिर वो भय में आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अभय, अभय में एक वर्ड छुपा है भय। तो छोटे बच्चों को भय किससे होता है, मोर से होता है। क्यों? क्योंकि वो मोर के बड़े बड़े पंख देख के डर जाते हैं। तो डर जाते हैं तो बेटा मोर से हो गया मोरारजी देसाई। क्लियर हो गया? तो मोर से क्या हो गया, मुरारजी देसाई। ठीक, तो होपफुली आपको ये पांच जो है वो क्लियर हुए है ना अच्छे से। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इनका। देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा राजघाट, राजघाट पे एक वर्ड आया कौन सा, राज। अब आप जानते हैं कि अंग्रेजों के राज को किसने खत्म करा, किसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो महात्मा गांधी जी ने। तो राजघाट के हो गए भाई महात्मा गांधी जी। क्लियर हो गया? फिर देखो शांतिवन, अब आप जानते हैं कि शांतिवन में एक वर्ड है शांति। अगर आपको एक वीडियो के एग्जाम में थक गए आप प्रिपरेशन करते करते, आपको शांति चाहिए, तो शांति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वार की रोटियां खानी पड़ेंगी। और अगर आप ज्वार की रोटियां खाएंगे तो ज्वार से हो गया जवाहरलाल नेहरू। फिर देखो विजय घाट की बात करते हैं, विजय घाट में आप जानते हैं कि भाई विजय एक वर्ड आ रहा है। अब अगर आप वीडियो के एग्जाम पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बहादुर होना पड़ेगा। तो भाई विजय है तो फिर बहादुर होगा, तो लाल बहादुर शास्त्री हो गया। फिर देखो नेक्स्ट शक्ति स्थल। अब शक्ति को जैसे ही आपने पढ़ा तो आपके मन में एक नारा आया, कौन सा, नारी शक्ति का। और नारी है तो नारी कौन थी बताइए, इंदिरा गांधी जी। तो फिर आंसर क्या हो गया हमारा, इंदिरा गांधी जी। यहां तक भी क्लियर हो गया। फिर देखो नेक्स्ट, फिर आया आपका अभय घाट। अब अभय घाट में एक वर्ड छुपा है भय। छोटे बच्चे किसको देखकर भय हो जाते हैं या भय में आ जाते हैं, मोर को देखकर, क्योंकि उसके पंख बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। तो फिर मोर से क्या हो गया, मोरारजी देसाई। बताओ कितना इजी है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें आपको। ठीक है, तो आपको देखिए 14 में से 5 तो याद हो गए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट 5। देखिए किसान घाट, अगला वर्ड है किसान घाट। तो किसान जो है आप जानते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है। अगर आपको आज खाना मिल रहा है, आपका पेट भरा हुआ है, आप आगे चल के खाना खा रहे हैं, आपको अन्न की कोई समस्या नहीं है, तो किसकी वजह से, वो किसान की वजह से। तो किसान अगर हमारा अन्नदाता है तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए, हमें हर किसान के चरण छूने चाहिए, हमें हर किसान के क्या करने चाहिए, चरण छूने चाहिए, पांव छूने चाहिए। तो बेटा चरण छूने चाहिए अगर किसान के, क्यों, क्योंकि किसान कौन है, अन्नदाता। तो अगर हमें किसान के चरण छूने चाहिए तो हम छुएंगे, तो चरण से बेटा याद हो गया चौधरी चरण सिंह। तो किसान घाट किसकी समाधि स्थल है, तो चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। यहां तक भी क्लियर हो गया होगा। देखो कितनी ईजी ट्रिक है ना, कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक, जहां पे ट्रिक्स की नीड होती है वहां मैं आपको खुद दे रहा हूं, जहां पे लगता है कि मुझे नहीं बिना ट्रिक्स के काम करना है वहां पे आप बिना ट्रिक्स से काम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए एकता स्थल, अब जब आप देख रहे हैं एकता स्थल, तो एकता स्थल में एक वर्ड आ रहा है बच्चों एकता। अब एकता जो है, और यहां पर देखिए आपका आंसर है ज्ञानी जैल सिंह। अब समझिए एकता यूजुअली किस में होती है, अगर आप देखो तो यूजुअली नहीं होती है ना, लोगों में आमतौर पर एकता नहीं होती है ना। लेकिन एकता एक जो समुदाय है पर्टिकुलर, या एक जगह है वहां पे रहने वाले लोगों में जरूर होती है। तो आप ये याद रखेंगे कि जो जेल में रहने वाले कैदी होते हैं ना, एकता किसमें होती है, जेल में रहने वाले कैदियों में होती है। ठीक है बेटा, तो जेल में जो लोग रहते हैं, जेल में जो कैदी रहते हैं, एक्चुअली लोग नहीं, कैदी जो रहते हैं, उनमें एकता बहुत होती है। आप समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या होगा कि अगर एकता की बात हो रही है तो एकता किसमें है, जेल में रहने वाले कैदियों की। तो बेटा जेल से आपने याद कर लिया जेल, जेल से क्या याद रख लिया, जेल। अब आपको दूसरी बात यह भी ध्यान रखनी है कि दो लोगों में एकता होती है, किसमें, दो लोगों में एकता होती है। एक तो आपने पढ़ लिया जेल में जो कैदी रहते हैं उनमें, और दूसरा जो ज्ञानी लोग हैं, या जो ज्ञानी लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते, वो एकता में, यूनिटी में विश्वास रखते हैं। आप समझ रहे हैं? तो दो लोग कौन हो गए, एक तो ज्ञानी लोग और दूसरा जेल में रहने वाले लोग। तो ज्ञानी और जेल में रहने वाले से जैल, तो बेटा क्या बन गया, ज्ञानी जैल सिंह। ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञानी जैल सिंह ये हो गए एकता स्थल के मतलब व्यक्ति, जिनकी समाधि स्थल कौन सी है, एकता स्थल। क्लियर हो गया? इसके बाद देखो नेक्स्ट आया बच्चों चैत्र भूमि। नेक्स्ट क्या आ गया, चैत्र भूमि। अब आप देखिए हम सभी जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर कोई और परिवार की बात करी जाए, तो हम सबके मंदिर में, हम सबके मंदिर में एक चित्र होगा। चैत्र से आपको क्या याद रखना है, चित्र। तो हम सबके मंदिर में चित्र होगा, किसका चित्र होगा बेटा, अंबे माता का। किसका होगा, याद रखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, किसका होगा चित्र, अंबे माता का। तो बेटा अगर अंबे माता का चित्र हम सबके मंदिरों में है, तो अंबे से क्या है आपने पढ़ लिया बेटा, अंबेडकर। समझ आ रहा है? हम सब के मंदिर में किसका चित्र है, किस भगवान का चित्र जरूर होता है, किस देवी माँ का चित्र जरूर होता है, तो हम मान के चलेंगे कि अंबे माँ का चित्र जरूर होता है हमारे मंदिरों में। तो इसलिए अंबे से क्या याद हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फुल फॉर्म क्या है, बी आर अंबेडकर।
है ना, ये लिखा होता है B.R. अंबेडकर, तो लोग समझते हैं कि भीम, बी से हो गया भीम, आर से हो गया राव और अंबेडकर हो गया, तो लोग सोचते हैं कि ये भीम राव अंबेडकर है, नहीं, इनका पूरा नाम बी से, अकेले बी से पूरा होता बच्चों भीम राव, अकेले बी से पूरा क्या है भीम राव, और ये वाला जो आर है ना, दिस आर एक्चुअली स्टैंड्स फॉर राम जी, ठीक है, दिस स्टैंड्स फॉर राम जी, तो ये जो आर है ये किसको शो कर रहा है, राम जी, तो पूरा नाम है डॉक्टर भीम राव राम जी अंबेडकर, क्या नाम है डॉक्टर भीम राव राम जी अंबेडकर, ठीक है ध्यान रखिएगा। चलिए तो चातुर्भूमि की भाई आप जानते हैं कि चित्र है किसका चित्र बताइए, अंबे माता का, तो अंबे माता से याद हो गया हमें अंबेडकर, ठीक है। नेक्स्ट देखो नारायण घाट, नेक्स्ट क्या है नारायण घाट, अब इसको समझिए, आप जानते हैं कि नारायण कौन है, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को हम सब नारायण कहते हैं, तो नारायण जी जो हैं, जो भगवान नारायण हैं, इनके हाथों में देखिए एक हाथ में क्या होता है चक्र होता है, और अगर आप कभी इनके पूरा चतुर्मुखी इनका रूप देखिए तो एक हाथ में इनके चक्र है और एक हाथ में इनके गुलाब होता है, क्या होता है बच्चों गुलाब, अब इस चीज को समझिएगा, ठीक है, अगर इनके हाथ में क्या होता है बच्चों गुलाब होता है, तो गुलाब से ये हमारी ट्रिक है, देखो गुलाब तो ये गुल आ रहा है, देखो गुल, गुल से क्या हो जाएगा बच्चों गुलाब हो जाएगा, याद है ठीक है, और ये गुलाब का रंग कैसा होता बताओ, गुलाब का रंग होता है लाल, तो बेटा गुलाब का रंग क्या हो गया लाल, तो गुलाब से बन गया गुलजारी, और रंग कैसा होता है लाल, तो गुलजारी लाल नंदा, क्लियर हो गया, देखिए कितना आसान है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस आपको अच्छे से याद करना है, एक बार समझना है, एक बार नहीं तो दो बार वीडियोस को देख लेना, बड़े आराम से बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, चलो एक बार पढ़ लेते हैं, तो नारायण घाट का क्या था, नारायण जी, भगवान नारायण जो है उनके एक हाथ में क्या होता है बच्चों चक्र होता है, और एक हाथ में क्या होता है जल्दी बताइए गुलाब होता है, तो गुलाब से हमको याद रखना है कि गुलाब से हो गया गुलजारी, और गुलाब का रंग कैसा होता है लाल, तो गुलजारी लाल नंदा, क्लियर हो गया भाई। इसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों महाप्रयाण घाट, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है महाप्रयाण घाट, अब महाप्रयाण को आप रिलेट करेंगे महाप्रलय से, किससे रिलेट करोगे आप महाप्रलय से, अब महाप्रयाण है तो महाप्रलय से रिलेट करा, अब जब कभी भी अगर महाप्रलय आएगी तो उससे आपको कौन बचाएगा, उससे आपको बचाएंगे भगवान इंद्र, और भगवान इंद्र का जो प्रसाद है वो आपको बचाएगा किससे महाप्रलय से, ठीक है। तो याद रखिएगा भगवान इंद्र से तो हो गया बच्चों राजेंद्र, भाई राजेंद्र को तोड़ेंगे तो क्या होगा राजधन इंद्र, है ना, या राज प्लस इंद्र, तो इंद्र आ गया, और इंद्र का प्रसाद ही आपको महाप्रलय से बचाएगा, तो महाप्रयाण से क्या हो गया महाप्रलय, और महाप्रलय से कौन बचाएगा जल्दी बताइए, तो भगवान इंद्र का प्रसाद, तो आंसर हो गया हमारा राजेंद्र प्रसाद, देखो कितना इजी है, समझ रहे ना। चलिए तो इन पांचों को फटाफट रिवीजन कर लें, देखो छठा था आपका किसान घाट, मैंने आपको बताया कि भाई किसान हमारा क्या है अन्नदाता है हमारे देश का, ठीक है, तो अगर अन्नदाता है तो हमें किसान के हमेशा चरण स्पर्श करने चाहिए, चरण छूने चाहिए, तो चरण से क्या हो गया चौधरी चरण सिंह, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट एकता स्थल, अब एकता स्थल है तो एकता किसमें होती है दो लोगों में, एक होते हैं ज्ञानी लोग और दूसरे लोग कौन थे जो जेल में रहने वाले कैदी होते हैं ना, तो ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। फिर देखो चैत्रभूमि, चैत्रभूमि में क्या आ रहा है चैत्र, चैत्र का मतलब था चित्र, तो हम सभी के घर में जो मंदिर है उसमें किस देवी माता का चित्र होता है, तो हम याद रखेंगे कि अंबे माता का, और अंबे माता से हमें याद हो गया अंबेडकर, ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर पूरा नाम था इनका। फिर देखो नेक्स्ट नारायण घाट, अब नारायण घाट में कौन आ रहा है वर्ड नारायण, तो नारायण जी जो हैं, ठीक है, जो नारायण प्रभु हैं उनके एक हाथ में चक्र था और एक हाथ में क्या था गुलाब, तो गुलाब से हमको याद रखना है गुलजारी, गुल, गुल से गुलाब, गुल से गुलजारी, और गुलाब का रंग कैसा होता है लाल, तो गुलजारी लाल नंदा हो गया। फिर देखो नेक्स्ट महाप्रयाण घाट, अब महाप्रयाण घाट हमने कैसे याद किया, महाप्रयाण से हमने याद करा कि भाई महाप्रलय, और कभी भी अगर महाप्रलय आएगी तो आपको कौन बचाएगा महाप्रलय से, आपको बचाएंगे इंद्र जी का प्रसाद, ठीक है, तो इंद्र का प्रसाद जो है वो आपको महाप्रलय से बचा लेगा, तो इंद्र से हो गया राजेंद्र और प्रसाद से हो गया प्रसाद, ठीक है। तो आपने ये 10 के 10 तो याद कर लिए, अब जल्दी से देखो आधरी के 4 याद कर लेते हैं, जल्दी से खत्म कर लेंगे। देखो नेक्स्ट अगला वर्ड आया समता स्थल, तो समता में एक वर्ड होगा, समता स्थल में जो वर्ड समता है, इस समता को आप रिलेट करिए क्षमता से, समता को आप किससे रिलेट करिए क्षमता से, अब जरा देखिएगा ये किसकी है बच्चों बाबू जगजीवन राम की, तो हमें यहां पे ध्यान रखना है एक वर्ड जीवन, क्या याद रखना है जीवन। अब देखिए हम सभी चाहते हैं कि भाई हम अपना जीवन बहुत ही अच्छे से यापन करें, हम अभी वीडियो के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आगे चल के बहुत ही सुरक्षित हो, है ना, एक जॉब सिक्योरिटी हो हमारे पास, एक जो लिमिटेड पैसा है वो हमेशा आता रहे आपकी सैलरी की फॉर्म में, है ना, जो आपका हमेशा श्योर है कि भाई आपको मिलना ही मिलना है जब तक आप जीवित है
है ना, सीधी सी बात है। तो हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, हमने अपने जीवन में कई सारे लक्ष्य हैं हमारे, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य नहीं है तो उसका जीवन ही बेकार है, सीधी सी बात तो मैं ये कहूंगा आपसे। तो हमारे जीवन में कई सारे लक्ष्य हैं, और हमारे जीवन में जो कई सारे लक्ष्य हैं उनको भेदने के लिए हमें क्या करना चाहिए, निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। तो अगर आप प्रयासरत रहना चाहते हैं तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए ना, तभी तो आप भाई, अगर आपके अंदर क्षमता होगी तभी तो आप चीजों को कर पाएंगे, आप उन गोल्स को अचीव कर पाएंगे। और अगर आपने गोल्स अचीव कर लिए तो आपका जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से यापन होगा, है ना। और आप बाबू का जीवन एकदम व्यतीत करेंगे, बाबू का, है ना, समझ रहे हैं। तो जीवन और बेटा बाबू, तो यहां से क्या रिलेट कर लेंगे कि अगर आपके अंदर क्षमता है एग्जाम को क्रैक करने की, चीजों को करने की, गोल्स को अचीव करने की, ठीक है, तो आपका जीवन क्या होगा, बहुत ही अच्छे से यापन हो जाएगा और आप एकदम बाबू की जिंदगी जिएंगे, समझ रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, बाबू जग जीवन राम। क्लियर हो गया यहां तक, चलिए आगे देखते हैं। उदय भूमि, उदय भूमि। अब यहां पे एक वर्ड आया बच्चों, उदय। आप जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इनका एक नारा था कि सबका उदय और सबका विकास। आप मान लीजिए ना, उनका वैसे नारा है कि सबका साथ सबका विकास, हम मान के चल रहे हैं, थोड़ा सा मोल्ड कर लिया हमने उनके स्लोगन को कि भाई सबका उदय और सबका विकास। अब मोदी साहब कह रहे हैं कि भाई सबका उदय हो, मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि सबका उदय हो। मोदी साहब ने कहा कि भाई चलो नारा लगाओ। नारा क्या लगाना है, देखो क्या नारा, देखो क्या नारा, मैंने पूछा क्या नारा लगाना है मोदी साहब, बताइए मुझे, कि लोगों का उदय हो, है ना, जनता का, देश की जनता का, भारत की जनता का उदय हो। मैंने पूछा के से क्या नारा, क्या नारा लगाऊं मैं कि जनता का उदय हो, है ना। तो क्या नारा से आपको याद रखना है, के आर नारायणन, ठीक है, के आर नारायणन। तो उदय होने के लिए भाई सभी का उदय हो, देश की जनता का उदय हो, तो मैं क्या नारा लगाऊं, है ना, मोदी साहब मुझे बताइए। तो के क्या नारा सा हो गया, के आर नारायणन। क्लियर हो गया। फिर देखो नेक्स्ट, कर्म भूमि। नेक्स्ट क्या है, कर्म भूमि। अब कर्म भूमि में एक वर्ड आ रहा बच्चों, कर्म। अब कर्म से यहां पर आपको रिलेट करना है कि शंकर दयाल शर्मा। अब देखिए, जो व्यक्ति वीडियो के एग्जाम के लिए अभी मेहनत कर रहा है, यानी कि कर्म कर रहा है, ठीक है, तो नो डाउट उसका सिलेक्शन होगा। क्यों सिलेक्शन होगा, क्योंकि उस पर भगवान शंकर की दया हो जाएगी। समझ रहे हैं कि अगर कोई वीडियो के एग्जाम में क्रैक कर लेता है वीडियो के एग्जाम को, मतलब वो कर्म कर रहा है, कर्म मतलब वो मेहनत कर रहा है ना। तो अगर वो कर्म कर रहा है तो नो डाउट उसका सिलेक्शन होगा। क्यों सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसकी मेहनत पर, उस पर भगवान शंकर की क्या हो जाएगी, दया हो जाएगी और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। भगवान भी उसका साथ देता बच्चों जो मेहनती होता, ठीक है, कायरों का साथ तो भगवान भी नहीं देते, इस बात को समझ लीजिएगा। आखिरी है भैया वीरभूमि। तो वीर कौन थे, वीर थे राजीव गांधी, ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए कि वीर कौन थे, वीर राजीव गांधी थे। तो वीर साहब ने याद कर लिया भैया राजीव गांधी। क्लियर हो गया देखो सारे के सारे। चलो आखिरी के चार जल्दी से रिविजन कर ले, देखो जल्दी से। पहला आया बेटा समता स्थल। समता स्थल में क्या है, एक वर्ड छुपा हुआ है, समता मतलब क्षमता, समता साउंड्स लाइक क्षमता। तो अगर समता में क्षमता छुपा है तो हम इसको कैसे याद करेंगे कि भाई अगर आपके अंदर क्षमता है, ठीक है, अगर आपके अंदर क्षमता है तभी आप क्या करेंगे, आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से यापन कर पाएंगे, अपने गोल्स को भेद पाएंगे, ठीक है। तो आपके अगर आपको अपनी जीवन को अच्छा बनाना है तो आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून, कुछ कर दिखाने के लिए क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्षमता है और तभी आप बाबू का जीवन जी पाएंगे, तो बाबू जग जीवन राम, ठीक है। फिर देखो उदय भूमि। तो मोदी साहब का नारा क्या था कि भाई सबका उदय करना है। अब मैंने पूछा कि भाई अगर सबका उदय करना है तो क्या नारा, क्या नारा मैं लगाऊं, है ना, तो क्या नारा से के आर नारायणन। फिर लिखा हुआ कर्म भूमि। अब कर्म भूमि, अगर आप कर्म करेंगे तभी वीडियो के एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा, मतलब भगवान शंकर की दया होगी आप पर। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा पूरा है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। उसके बाद देखो वीर भूमि। तो वीर कौन है, वीर थे कौन, राजीव गांधी जी, ठीक है। तो होपफुली भाई आपको 14 के 14 जो है ये अच्छे से आपको समझ में आए, है ना। एक जो वीडियो में मैंने यहाँ पे कोशिश करी है आपके साथ ट्रिक को शेयर करने की, वो आपको अच्छी लगी और आपको ये सारे के सारे याद हो गए। आप यकीन मानिए, आप एक बार छुपा के इनको आंसर्स को छुपा के आप एक बार खुद ट्राई करिए, इन 14 में से गारंटी है आपको कम से कम नहीं तो 9-10 तो याद हो गए होंगे, पक्की बात है, ठीक है ना। अगर आपने अच्छे से वीडियो को सुना है तभी, राइट। अगर आप नए विजिटर हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जो फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपका एक एजुकेटिव एरिया है, उसमें जरूर इसको शेयर करिए, ठीक है, और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को अगर आपको सच में अच्छी लगी है, ठीक। तो भाई अगर आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो स्टे विद अस, थैंक यू वेरी मच।